कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और कभी कभी तो ये होता है कि ग्राहक बहुत भाव खाते हैं, करीबन 6-7 ग्राहकों को मना करना पड़ता है तब जाके सही कस्टमर आता है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, अभी हम खेल रहे कार फॉर सेल सिमुलेटर एंड्रॉयड वर्जन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने एक ऑडी को बेच के ऑडी खरीदी थी हमने ऑक्शन में, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, $1,00,000 का करीबन प्रॉफिट हुआ था। हमने 1,00,000 में खरीद के करीबन 2,00,000 में बेची थी। तो फ्रेंड, उसके आगे का गेम शुरू करते हैं। अभी हमारे पास है $2,31,000। तो फ्रेंड, आज है ट्यूसडे और सुबह के रात के सात बज रहे हैं। तो फ्रेंड, एक बार जाके मैं कार मार्केट में जाके देख लेता हूँ कोई कार है नहीं, कि नहीं कार खरीदने के लिए है या नहीं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कार मार्केट ओपन नहीं होता है। तो एक बार जाके देख लेता हूँ कि कार मार्केट ओपन है या नहीं। और वैसे भी अभी अगर मैं कार खरीदूँगा तो शायद, और फ्रेंड्स देखा, जैसे मैंने कहा था, कार मार्केट ओपन नहीं है, और ऐसा क्यों है पता नहीं। तो अभी ये कह रहा है कि ऑक्शन जो है सुबह 9 बजे ओपन होगा। तो अभी तो फिर मैं क्या करता हूँ, ऑफिस में जाके सो जाता हूँ। ऑफिस में जाके सोने से क्या होगा कि अभी वैसे तो 8 बजे सोना होता है, पर अगर अभी सो जाऊंगा तो भी अगले दिन सुबह गेम स्टार्ट होगा। अगर मैं एक बार दिन में भी सो जाता हूँ तो अगले दिन गेम स्टार्ट होता है। तो अभी मैं सो जाता हूँ, नया दिन शुरू होगा। तो हो सकता है सुबह शायद 8 बजे ना हो के जितनी देर हम जल्दी सोएं उतना लेट उतना ही बाद में गेम ओपन हो, यानी कि सुबह द मार्केट इज़ ओपन। तो फ्रेंड, जैसा मैंने कहा था कि मैं क्योंकि देर से जल्दी सोया था, तो जब गेम स्टार्ट होता है तो सुबह स्टार्ट होने की बजाय वो थोड़ा आगे ओपन स्टार्ट होता है। मतलब वैसे सुबह 8 बजे या 7 बजे गेम ओपन होता है, पर क्योंकि हम जल्दी सोए थे तो शायद गेम लेट स्टार्ट हुआ था। पर मार्केट इज़ ओपन, अभी तो मेरे को नोटिफिकेशन दिखा रहा था कि ऑक्शन स्टार्ट हो गया, अब कह रहा है कि मार्केट ओपन है। पता नहीं क्या गेम है यार ये, पता नहीं क्या लैग कर रहा है। जब मैंने खोला था तो कह रहा था कि ऑक्शन स्टार्ट हो गई है, अब जब ऑक्शन में पहुंचा तो ऑक्शन क्लोज दिखा रहा है, कह रहा है कि कार मार्केट ओपन है। तो फ्रेंड्स, अभी हम कार मार्केट आ गए और कार मार्केट ओपन दिखा रहा है। अब हम जाते हैं, अभी हमारे पास $2,31,000 है और हम इसमें कौन सी कार खरीदेंगे ये देखते हैं। ये मैकलान है शायद, इससे आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी, क्या हाल है आपके? ये तो 25,51,000 की है भाई, ये तो हमारी मतलब इसको करीबन 10 दिन खेलना पड़ेगा गेम को, तब जाके खरीद पाएंगे हम। तो अभी तो ये बजट से बाहर है। ये कौन सी कार है? 31 BVM E60। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सुपरा मिल जाए। फ्रेंड्स, ये मैकलान है, दोबारा मैकलान है, इसकी कीमत अंकल जी लाल टोपी वाले, ये भी हमारे बजट से बाहर है। अभी करीबन 10 दिन खेलना पड़ेगा तब जाके हमारे बजट में आएंगी ये कारें। ये मैकलान, और ये कौन सी कार है? फ्रेंड्स, ये नई कार है, अभी पहली बार ही देखा हूँ मैंने इस गेम में। अंकल जी से बात करते हैं, टकलू अंकल से। क्या है ये? लेंट और शिनी, पता नहीं कौन सी कार है, लंबोर्गिनी तो नहीं है ये। अब हम आगे गेम्स चालू रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम कौन सी कार खरीदें जो हमारे बजट में हो, बजट में भी हो और जिसमें ज़्यादा मार्जिन हो। बजट में तो अभी काफ़ी कारें हैं, बजट में तो लगभग 40% कारें आएगी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ जिस कार में मार्जिन ज़्यादा हो। ये है 3,90,000 की, और जो कि हमारे बजट में नहीं है, कि हमारा बजट है 2,31,000 का। ऑक्शन भी दिखा नहीं रहा, ऑक्शन क्यों बंद है मुझे नहीं पता। ये है 96,376 की कार है, ऑडी। तो ठीक है फ्रेंड, हम ऑडी खरीद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑडी खरीद ली है। एक मिनट, बीच में मैं अपनी जो है ना स्किल लेवल बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास शायद पॉइंट्स हैं, तो 235 पॉइंट है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। तो मैं अपनी बार्गेनिंग स्किल या जो भी स्किल है इस गेम में वो बढ़ा लेता हूँ मैं। यू कैन गेट ए बेटर प्राइस फॉर योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक्सपीरियंस पॉइंट से बार्गेनिंग स्किल बढ़ा लिया। अगला जो लेवल है इंटरमीडिएट, उसके 400 एक्सपीरियंस पॉइंट है। तो पहले हमें 400 एक्सपीरियंस पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे लेवल पर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑडी खरीद लिया।
ऑडी, हाँ फ्रेंड्स मैंने ऑडी ख़रीद लिया। अब ऑडी में बैठ के हम जाएंगे अपने ऑफिस में और इसको रिपेयर कराएंगे और इसको बेचेंगे। तो अभी मैं गाड़ी में एंटर कर लेता हूँ और फ्रेंड्स मैंने एंट्री ले ली है क्योंकि पिछली बार जो ऑडी ख़रीदी थी उसमें हमने लगभग 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था। अब हम जाएंगे अपने ऑफिस फ्रेंड्स, ऑफिस में जाके हम इसको रिपेयर कराएंगे क्योंकि पिछली बार हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था। मुझे लगा था कि क्योंकि हमने इसको ऑक्शन में ख़रीदा इसलिए हमें सस्ती मिल गई है शायद इस वजह से, पर अभी जो हमने कार मार्केट से ख़रीदी है वो भी उसी प्राइस पर ख़रीदी है जितना हमने ऑक्शन में ख़रीदा था, यानी कि $1,00,000। तो अब हम इसको फिर से ग्रीन सर्कल में खड़ा किया, मैंने इसको प्रॉपर ग्रीन सर्कल में खड़ा किया। बीजे वाले बापू से बात करते, भाई रिपेयर करते, इसका काम ही है गाने सुनने के अलावा पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता। 8,000 उसमें रिपेयर में और $50 लगे वॉश करने में। तो अब हम सीधा जाएंगे अपने ऊपर, मैंने तो पहले ही ठोक दी भाई फ्रेंड्स गाड़ी, एंगल ठीक किए मैंने। अब हम बैक गए और सीधा ऑफिस में ही जाके रुकेंगे क्योंकि हमारे एंगल बिल्कुल सही है 90 डिग्री पे। और ये मैंने रोकी कार अपने ऑफिस के बाहर, ऑफिस की पार्किंग स्पेस में। अब मैं इसका प्राइस सेट करूँगा, प्राइस है 96, मतलब $1,00,000 है लगभग। मैं इसको 2 लाख सेट कर देता हूँ, ये हो गए 2 लाख ऑन सेल। अब हमें अपने ग्राहकों का इंतज़ार करना है फ्रेंड्स, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और कभी कभी तो ये होता है कि ग्राहक बहुत भाव खाते हैं, करीबन 6-7 ग्राहकों को मना करना पड़ता है तब जाके सही कस्टमर आता है। इंतज़ार करते हैं हम अपने कस्टमर्स का, एक कस्टमर है आंटी जी आई हैं, आंटी जी अपने घर से आई हैं सब काम धंधा पूरा करके, उम्मीद तो किया 1,53,000, हम तो 2 लाख में खरीद बेचेंगे भाई, 1,90,000 में कर देता हूँ, 1,90,000 नहीं। तो आंटी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्हें पसंद नहीं आया। तभी एक अंकल जी और आए हैं बरमूडा पहन के, 1,13,000 ना, 1,90,000 नहीं रिफ्यूज़। मैंने क्यों, मुझे क्या लग रहा था कि जैसे हमने एक्सपीरियंस पॉइंट से अपने बार्गेनिंग स्किल बढ़ाई है शायद उस वजह से हम आसानी से अपनी कार बेच पाएंगे, अपने पॉइंट्स पे जो अपनी वैल्यू है जितने में हम बेचना चाहते हैं उससे आसानी से हम बेच पाएंगे। एक क्लाइंट ऑफिस में कह रहा है, तो हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जब जाते हैं तो उसके बाद क्लाइंट बाहर दिखाता है, नोटिफिकेशन आता है कि क्लाइंट ऑफिस के अंदर है, पर हमें बाहर अंदर जाता हूँ तो क्लाइंट बाहर आ जाते हैं, डायरेक्ट करते हैं 1,12,000 नहीं भाई, 1,80,000 ले लो। रिफ्यूज़, हमने भी रिफ्यूज़ कर दिया, चल पे फुट हट, नहीं आने की ज़रूरत दोबारा, पर ज़रूरत तो पड़ेगी भाई। आंटी जी की कीमत है 1,14,000 भाई, कितने में बिकेगी नहीं क्या? पिछली बार जब मैंने ख़रीदी थी ऑक्शन में तब तो बड़ी आसानी से बिक गई थी, अभी पता नहीं क्यों नहीं बिक रही है फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं कार मार्केट, जाते हैं दोबारा कारें खरीदते हैं क्योंकि ऑक्शन तो अभी खाली है, ऑक्शन तो अभी ओपन हुआ नहीं है और विलेज में अभी जा नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ सुपरा मिल जाए, सुपरा में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, 50,000 की होती है तो 1,00,000 के करीब बिक जाती है, ये हमारे बजट से बाहर हैं। और जो बाकी कारें हैं वो उनमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है इसलिए मैं ख़रीद नहीं रहा। ये वाली कार देखता हूँ ये कितने की है, क्योंकि ये अंकल जी से बात करते हैं, अंकल जी 18,74,554 रुपये डॉलर्स, बिल्कुल अपनी कीमत से बाहर है, अपनी बजट से बाहर है, अपना बजट है 2,76,000, अगर उन 50 दिन गेम खेलना पड़ेगा तब जाके इस लेवल पे आऊँगा मैं। 1,13,000 कैडलिक कार है ये शायद फ्रेंड, इसको मैं ख़रीद लेता हूँ, बार्गेनिंग कर लेता हूँ थोड़ी, तो 90,000 में दे दो, ये हुआ 90,000 नहीं कोई बात नहीं, हम इतने में ही ख़रीद लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1,10,000 में मैंने कार ख़रीद ली है, अब मैं जाऊँगा अपने ऑफिस और इसे रिपेयर कराएंगे हम फ्रेंड्स। अभी मुझे क्या, अभी तो अभी तक मैं क्या करता हूँ, जो भी गेम प्ले करता हूँ वो साथ में रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। अब मेरे को लगता है अपना लेवल बढ़ाने के लिए इस गेम को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 3-4 घंटे, 5-6 घंटे, उसके बाद जब लेवल बढ़ेंगे तब रिकॉर्ड करके मैं
अपलोड करूँगा ताकि आपको भी अच्छा लगे। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी तो क्या है जितना खेलता हूँ उतना ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो लेवल जल्दी बढ़ नहीं रहे, इसलिए अब मैं इसको 3-4 घंटे खेलूँगा, उसके बाद जब लेवल बढ़ जाएंगे फिर रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करूँगा। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं अपने रिपेयर सेंटर में, और रिपेयर सेंटर में आके हम डीजे वाले बाबू से बात करते हैं। डीजे वाले बाबू, कार ठीक कर दो हमारी। वो कह रहा हमारा काम ही है बेटा, तुम आओ अपना काम, हमारा काम पैसे दो और हमसे काम कराओ, मेरे तो पैसे से मतलब है पैसे से। तो डीजे वाले बाबू ने हमारी कार रिपेयर कर दी है, हम रिवर्स गियर लगाते हैं और एंगल ठीक नहीं है, इसलिए अब हम दोबारा एंगल ठीक करते हैं और वापस अपने ऑफिस में जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और मैंने ठोक दी है फ्रेंड्स, भैया मुझे लगा था कि एंगल ठीक है, पर नहीं एंगल ठीक नहीं थे, तो अब दोबारा एंगल ठीक किया मैंने। और फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने ऑफिस में, पार्किंग स्पेस में गाड़ी खड़ी कर दी है हमेशा की तरह। अब मैं अपना रेट सेट करूँगा, हमने करीबन 1,10,000 में ख़रीदी है, हम इसको बेचेंगे 2,00,000 रुपये में। हमने इसको सेल पे लगा दिया, अब ग्राहकों का इंतज़ार। अभी मेरे पास $1,62,000 है और इसको बेच के करीबन $3,62,000 हो जाने चाहिए। अब हम ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं हमेशा की तरह। कभी कभी ग्राहक जल्दी आ जाते हैं, कभी ग्राहक देर में आते हैं, पता नहीं कैसा गेम है। पर इसके ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे नहीं है फ्रेंड, ग्राफिक्स अच्छे होते ना खेलने में मज़ा आ जाता, ग्राफिक्स अच्छे होते तो। पर क्योंकि ये मोबाइल एडिशन है तो फ्रेंड्स हमारा पहला ही क्लाइंट हमारी कार ले ली है $1,90,000 में, क्योंकि शायद हमारी बार्गेनिंग स्किल बढ़ गई है, इसलिए आराम से हमारा बिक गया। अब हमारे पास है $3,52,000 और अब हम फिर से कार मार्केट जा रहे हैं। कार मार्केट में जाके फिर से कोई कार खरीदते हैं जो हमारे ज़्यादा मार्जिन वाली कार हो, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और करीबन जिन कीमतों की कार ज़्यादा कीमत ज़्यादा होती है उनका प्रॉफिट भी उनमें ज़्यादा ही होता है। अब ये $16,431 की है, इसमें कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं निकलने वाला। अब इसको बेच खरीदते हैं, अंकल से बात करते हैं। 18,00,000 मैकलान। फ्रेंड्स ये है फिएट बैब्रो, जिसमें कोई मार्जिन नहीं है, मुश्किल से $5,000-6,000 का मार्जिन आता है। कार मार्केट, ये ऑडी है शायद, इसमें अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए। आंटी जी से बात करते हैं। 31,664, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं है। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से कार मार्केट में जितनी भी कारें थी जिनमें जो हमारे बजट में थी और जिनमें मार्जिन आना था वो सब हमने खरीदी हैं। एक कार है जो मुझे दिख रही है कि जिसमें मार्जिन भी हो सकता है और हमारे बजट में भी हो सकती है। अंकल से बात करते हैं। अंकल जी की कीमत है 3,90,000 और हम थोड़ी बारगेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि 3,50,000 में दे दो अंकल। नहीं, क्योंकि मैं ख़रीद नहीं सकता ना, मेरे पास 3,62,000 रुपये ही हैं, मैं ख़रीद ही नहीं सकता। $3,52,000 पहले तो शायद 62 दिखा रहा था, शायद मैंने देखने में गलती कर दी। एक तो ये लैग बहुत करने लग गया, पता नहीं क्यों लैग कर रहा। अब हम जाएंगे विलेज में अपनी कार बजट में कोई कार ढूंढेंगे। फ्रेंड्स अब हम जाएंगे विलेज, क्योंकि ऑक्शन अभी बंद ही है। ऑक्शन में भी अच्छी कारें मिल जाती हैं, हमारे बजट में भी होती हैं और हमारे मार्जिन अच्छा मार्जिन भी दे देती हैं। अब इन अंकल से बात करते हैं, इनकी कार कौन सी है, कोई लोगो भी नहीं है, पता नहीं कौन सी कार है। अंकल जी यार ये गेम बहुत लैग कर रहा है बहुत। तो फ्रेंड्स अब हो गई है रात, अब हम चलते हैं वापस अपने ऑफिस में सोने के लिए ताकि अगला दिन हो। और मैं सोच रहा हूँ अगर ऑक्शन होगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो मैं ऑक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हम आ गए अपने ऑफिस की ओर, फ्रेंड्स चलते हैं अपने ऑफिस में। गाना गाते हुए लोरी सुनाते हुए, चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। फ्रेंड्स गाना ख़त्म हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है।
अब आगे ऑक्शन होगा 8 बजे और अभी बज रहे 7 बजे। जैसा कि मैंने कहा था कि ऑक्शन स्टार्ट होगा तो उसमें अपने बजट में और अच्छे मार्जिन में भी कारें मिल जाएंगी। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं कार ऑक्शन में। यहाँ से हम बस स्टॉप और पहुँचे ऑक्शन में। ऑक्शन में पहुँच के $300 की टिकट और बॉडी बिल्डर से बात करनी पड़ेगी, बॉडी बिल्डर और बॉडी गार्ड वहाँ का। सलमान खान की मूवी बॉडी गार्ड भाई साहब 300। इसको स्टार्टिंग में जब मैं आया तो मुझे यूट्यूब में देखना पड़ा था ताकि मैं इस गेम को ऑक्शन में एंट्री ले सकूं, वरना समझ ही नहीं आ रहा था बिना टिकट के। पहले मैंने इस बॉडीगार्ड को टिकट सेलर को देखा ही नहीं, सीधा ऑक्शन में घुस गया। मैं कह रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा। कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर बाद में यूट्यूब पर जाके पता चला कि ऑक्शन के लिए पहले इस बॉडीगार्ड से बात करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो फ्रेंड्स अब हम ऑक्शन में आ गए हैं, इस कार में कोई मार्जिन नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये है फिएट बैब्रो। जब हमने गेम की स्टार्टिंग की थी तब हमने इस कार को लिया था, मुश्किल से 6,000-10,000 में खरीद के। कभी कभी तो मैंने $14,000 में भी गेम कार खरीदी थी और करीबन $20,000 के आसपास बेच पाते थे, तो ज़्यादा मार्जिन होता ही नहीं था। ये कार है टोयोटा सेरेला, कौन सी कार है मुझे नहीं पता। $12,000 की कार है, इसमें भी ज़्यादा मार्जिन नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कोई हाई एंड कार आ जाए जो बजट में भी हो इतनी, क्योंकि हाई एंड फिर $18,000 की वो आ जाती है लंबोर्गिनी फरारी, उस कार का फ़ायदा ही क्या भाई। अभी तो हमारे बजट में ही नहीं है, तो जल्दी जल्दी गेम खेल के मैं अपना बजट बढ़ाऊँगा फिर रिकॉर्ड करूँगा गेम। तो फ्रेंड्स ये है टोयोटा सेरेला। अब इसको ऑक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है, ऑक्शन जल्दी नहीं होता क्योंकि ऑक्शन में जो अदर गेम के बायर हैं वो भी कार खरीदते हैं, वो काफ़ी बैट लगाते हैं, इस वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है और ऑक्शन होने में। पर हमें तो अपनी कार का इंतज़ार करना है क्योंकि कार आएगी टाइम पे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हम बस अपनी कार का इंतज़ार कर रहे हैं। दो कारें आई हैं जो हमारे बजट में तो हैं पर ज़्यादा मार्जिन नहीं है। ये है $17,000 के आसपास ये कार भी की है, तो ये हमर $30,422 की, इसमें भी ज़्यादा बजट नहीं निकलने वाला, तो इसको भी मैं नहीं ख़रीदना चाहता। बस आखिरी उम्मीद है चौथी कार में है, बस अब अगर वो भी नहीं हुआ तो कार ऑक्शन के $300 बर्बाद। तो हमने $300 बर्बाद किए कार ऑक्शन में। ये हमर H2 थर्ड गाड़ी और ये कार है जो ऑक्शन लगा रहे हैं वो है रॉबर्ट, जिन्होंने $36,500 की लगाई है बैट। फ्रेंड्स दो कारें बिक चुकी हैं, अब हमें बस आखिरी कार में उम्मीद है कि हमारे बजट में भी हो और अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी हो, क्योंकि अभी तक जो कारें होती हैं वो या तो फरारी जिस और मैकलान भाई $18,00,000 और हमारा बजट कितना अभी $3,00,000। तो इस कार इस गेम को कंप्लीट होने में आगे खेलने में थोड़ा टाइम लगेगा और कार ऑप्शन को भी कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। अच्छा जो ओके एना ने लगाई है $43,000 की बैट। तो फ्रेंड्स अब हम इंतज़ार कर रहे हैं चौथे नंबर की गाड़ी, दुआ करो हमारे बजट में हो अच्छा मार्जिन भी हो। तो चौथे नंबर की गाड़ी आ गई है और इसकी कीमत है $5,460। तो फ्रेंड्स पैसा बर्बाद बिल्कुल, तो मैं ऑक्शन से एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बजट में तो है पर इनमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो यहाँ से निकलो। और मैंने कोई भी कार नहीं खरीदी, कोई फ़ायदा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं होगा उनसे। $5,000 की ज़्यादा से ज़्यादा $10,000 का प्रॉफिट होगा अगर मैंने कोई कार खरीदी, तो मैं कार मार्केट में दोबारा जा रहा हूँ। ये एक दिन नया दिन स्टार्ट हुआ है तो नई कारें आ गई होंगी वहाँ पे, पर कार क्योंकि ऑक्शन है तो शायद इस वजह से कार मार्केट बंद रहता है। अब हम विलेज चलते हैं, अपने पसंद की कोई कार ढूंढते हैं विलेज वालों के पास। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं विलेज में। ये है पहली कार जो मैंने खरीदी थी, BUC नेशनल नाम की शायद कोई कार है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन भैया से बात करते हैं, टी शर्ट वाले भैया कितने में दोगे? 18,000 वॉक्स वैगन कुछ है पर इसमें कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, तो हम ढूंढ रहे हैं मार्जिन वाली गाड़ी।
क्योंकि मेरा बजट है 352,000 डॉलर। भैया पहले तो 9,000 डॉलर से स्टार्ट किया था, अब हम 352,000 डॉलर पे पहुंच गए हैं। ये भी वही है वॉक्सवैगन, इसका आगे का मॉडल देखा, जो आगे का बम्पर है वो सेम ही थे, इसलिए मैंने चेक करने की जहमत नहीं उठाई। फ्रेंड्स विलेज में हैं पर कोई कार भी तो मिले भाई, विलेज तो आ गए हम। ये भी वही कार है वॉक्सवैगन। तो फ्रेंड यही लग रहा है कि मुझे अब सोना पड़ेगा और अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। 23,000 डॉलर। नेकलेस अच्छा पहन रखा था आंटी ने। तो फ्रेंड्स अब मैं जाऊंगा वापस अपने ऑफिस, वहां सोऊंगा ताकि कार मार्केट में अच्छी सी कारें आ जाएं। और फ्रेंड्स मुझे लगता है मैं बस स्टॉप का रास्ता फिर से भूल गया हूँ। नहीं फ्रेंड्स मिल गया, पिछले गेम में आपने देखा था कि मैं बस स्टॉप का रास्ता भूल गया था। विलेज में अभी कारें भी ठीक की नहीं है, तो अभी हम ऑफिस जाएंगे, एक दिन सोएंगे, अगला दिन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स हम अब ऑफिस आ गए और घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आपके फीड में मेरे वीडियोस पहुंचें। फ्रेंड्स हम सो जाते हैं और